नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुजराती चेस जोन में। पहले हमने बैंको गैम्बिट डिक्लाइन के बारे में देखा था मेरे प्रीवियस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं बैंको गैम्बिट एक्सेप्टेड। बैंको गैम्बिट खास करके ब्लैक साइड से खेला जाता है और वो डी फोर अगेंस्ट मतलब क्वींस गैम्बिट ओपनिंग समटाइम्स लोग क्वींस गैम्बिट करते हैं, उसके अगेंस्ट हमें रिप्लाई देना है। अगर हम अटैकिंग मूव्स अटैकिंग गेम खेलना चाहते हैं तो हमें बैंको गैम्बिट खेलना चाहिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। डी फोर ब्लैक से आपको देना है रिप्लाई नाइट एफ सिक्स, सी फोर, अब आप खेलोगे सी फाइव, वाइट डी फाइव, आपको खेलना है बी फाइव। तो ये है बैंको गैम्बिट का मेन स्ट्रक्चर। हमने देखा था यहाँ कुछ लोग डिक्लाइन करते हैं, लेकिन एक्सेप्टेड यानी सी टेक्स बी फाइव। अब व्हाइट ने पॉन मार के ये प्रूव कर दिया कि व्हाइट आपकी बैंको गैम्बिट एक्सेप्ट करना चाहता है। यहाँ पे आपको एक और पॉन सेक्रीफाइस करना होगा, ए सिक्स, बी टेक्स ए सिक्स और आपको मारना है बिशप टेक्स ए सिक्स। नाइट सी थ्री, यहाँ पे ब्लैक खेलेगा जी सिक्स। अब यहाँ पे दो लाइन है दोस्तों। फर्स्ट लाइन है एफ फोर और दूसरी लाइन जो है वो है ई फोर। चलिए पहले एफ फोर देखते हैं। व्हाइट खेलता है एफ फोर, यहाँ पे आपको डी सिक्स, स्ट्रॉन्ग पॉन चेन ऑन क्वीन साइड, नाइट एफ थ्री, बिशप जी सेवन, ई फोर। यहाँ पे व्हाइट रिस्क लेना चाहता है, कैसलिंग ब्रेक करवाने के बाद व्हाइट परफेक्ट डिफेंस अगर करता है तो क्वीन साइड जो मेजोरिटी है पॉन की उससे व्हाइट आसानी से जीत सकता है। इसीलिए व्हाइट खेलता है e4 और उसे कैसलिंग ब्रेक होने की कोई परवाह नहीं है। आपको यहाँ बिशप टेक्स f1 करना है, रुक टेक्स f1, ब्लैक से आपको करना है कैसल। खास ध्यान रखिए आपने पॉन सेक्रीफाइस किया है, आपके पास सिक्स पॉन है, व्हाइट के पास फाइव सेवन पॉन है, तो आपको ये गेम मिडल गेम में बहुत ही अटैकिंग खेलना होगा ताकि आप ये गेम में वापस आ सको। किंग सेंटर में है, उसका एडवांटेज भी आपको मिल सकता है, लेकिन एक पॉन डाउन का आपको डिसएडवांटेज भी है और अगर ये गेम एंड गेम की तरफ चली गई तो आप गेम हार सकते हो। इसीलिए यहाँ पे अग्रेसिव अटैकिंग ही खेलना है। रुक f1 के बाद ब्लैक कैसल करता है, e5 के बाद नाइट, अब यहाँ पे व्हाइट खेलेगा e5 और यहाँ पे नाइट e8, व्हाइट करेगा किंग f2 क्योंकि व्हाइट करना चाहता है आर्टिफिशियल कैसलिंग। अब किंग को g1 ले जाने का प्लानिंग है। किंग f2 के बाद नाइट d7, आप सेंटर पे अटैक कर सकते हो, पॉन के ऊपर 1 2 3 अटैकर्स आ गए और ओनली टू सपोर्ट है, तो व्हाइट रिप्लाई देगा क्वीन से e2 से सपोर्ट करके। क्वीन e2 के बाद नाइट b6 और बहुत ही बढ़िया अटैकिंग, और फाइल व्हाइट ब्लैक के हाथ में है ए फाइल, जिससे आसानी से आप एंडिंग में पॉन कवर कर सकते हो। तो चलिए दूसरी लाइन जो है वहां पे e4 करने की है, उसमें व्हाइट एक्सेप्ट करता है पहले से ही कैसलिंग ब्रेक करवाने के लिए। तो चलिए देखते हैं d4, नाइट एफ सिक्स, सी फोर, सी फाइव, डी फाइव, बी फाइव, व्हाइट एक्सेप्ट करता है पॉन टेक्स पॉन, आपको ए सिक्स करना है, फिर व्हाइट अगेन एक्सेप्ट करता है पॉन टेक्स पॉन, यहाँ पे बिशप टेक्स ए सिक्स, नाइट सी थ्री और जी सिक्स, यहाँ पे व्हाइट खेलता है ई फोर। यहाँ आपको चांस देता है कि आप बिशप मार के कैसलिंग ब्रेक करवाओ, और आपने बिशप ए सिक्स इसीलिए किया है कि उसका जब भी e4 होए तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ये बिशप मार देना है। बिशप टेक्स f1, बिशप f1 के बाद किंग से मारेगा क्योंकि ओनली मूव है,
अब आपको करना है d6, ये पॉन को स्टॉप कर देना है, और d6 के बाद व्हाइट खेलेगा g3, किंग को आर्टिफिशियल कैसलिंग करने के लिए, क्योंकि किंग मूव हो चुका है तो वो g3 खेलेगा। आपको यहाँ पे खेलना है बिशप g7, किंग g2। अब आपको करना है शॉर्ट कैसल, नाइट f3 प्लेइंग बाय व्हाइट, आपको खेलना है nb d7, re1। सेंटर में व्हाइट का प्लानिंग है e5 करने का, आपको यहां पहले से e5 स्टॉप करने के लिए नाइट g4 खेलना है। अगर वो h3 करता है तो नाइट e5 आ सकता है। नाइट g4 के बाद व्हाइट खेलेगा क्वीन e2, क्वीन e2 में आपको एन जी ई फाइव, जी वाला नाइट e5 पे लाना है। नाइट d2, अगर व्हाइट नहीं चाहता है कि एक्सचेंज करना है तो वो नाइट d2 जाएगा, अगर उसने एक्सचेंज किया तो हमारा दूसरा नाइट आगे आएगा, इसीलिए व्हाइट अगर इसे नाइट d2 खेलता है तो आपको यहाँ पे नाइट b6, दोनों नाइट बहुत ही एक्टिव है ब्लैक के। उसके बाद f4 आपके नाइट पे अटैक आ सकता है, लेकिन डोंट वरी ned7 आ सकता है। अब देखो व्हाइट का किंग बिल्कुल ओपन हो चुका है और ब्लैक का किंग बिल्कुल सेफ है ये पोजीशन में, इसीलिए ब्लैक अटैकिंग खेल सकता है। अब ned7 व्हाइट चाहेगा a4 करके आपके ये नाइट को भी डिस्टर्ब करना चाहता है। यहाँ पे आपको रुक a7, अब पूरी गेम क्वीन साइड ये दो पॉन के पीछे लगी रहेगी। अब आप यहाँ से क्वीन c7 या फिर क्वीन a8 करके यहाँ पे प्रेशर दे सकते हो। रुक a7 के बाद व्हाइट खेलेगा a5, क्वीन a8, और ये पॉन को अब दूसरा सपोर्ट नहीं आ सकता, आएगा तो ये नाइट का सपोर्ट आएगा और पॉन से नाइट नहीं मार सकते, उसका रुक जा रहा है, इसलिए नाइट b3 कर सकता है, लेकिन इमीडिएट आप उसे प्रेशर करके ऐसे रिमूव करके ये पॉन आसानी से कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बैंको गैम्बिट एक्सेप्टेड, और ये गेम ब्लैक के लिए काफी अटैकिंग लाइन है, लेकिन बहुत ही संभल कर आपको खेलना होगा, क्योंकि एंड गेम अगर आ गई तो आपकी गेम लॉस हो सकती है, इसीलिए मिडल गेम में ज्यादा से ज्यादा टैक्टिक्स का यूज करके आपको गेम जीतना है। तो बैंको गैम्बिट कई प्लेयर्स की कंप्लेंट थी कि सर मुझे डी फोर के अगेंस्ट बहुत ही परेशानी होती है, बहुत ही खेलने के प्रॉब्लम होता है, मैं कई बार डी फोर के अगेंस्ट लॉस हो गया हूँ। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अटैकिंग लाइन में गेम इक्वल होती है, कई बार ब्लैक का पल्ला भारी रहता है, तो इसीलिए जब भी आप ब्लैक से गेम खेलो तो मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ कि गैम्बिट लाइन से ही आपको खेलना चाहिए, जैसे कि क्वीन गैम्बिट के अगेंस्ट आप बैंको गैम्बिट या फिर सिगोरियन डिफेंस खेल सकते हो, और ई फोर के अगेंस्ट स्कैंडिनेवियन डिफेंस बहुत ही अच्छी गैम्बिट लाइन है, जिसमें पोर्टुगीज गैम्बिट बहुत ही फेमस है, तो उसकी भी तैयारी आपको करनी चाहिए। मैं मेरे अगले वीडियो में आपको ऐसे अलग अलग तरीके की ओपनिंग्स बताने वाला हूँ, जिसमें पोर्टुगीज गैम्बिट क्या है उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, स्कैंडिनेवियन बार के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम ये वीडियो खत्म करते हैं, और आशा है आपको ये वीडियो काफी अच्छा पसंद आया होगा, तो ये वीडियो को मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बना सकूं। ओके, गुड बाय, जय हिंद, जय गुजरात।